हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन। ये क्या होते, कितने टाइप्स के होते, इनको हम कैसे समझ सकते, डिफरेंट यूजेस क्या क्या होते। अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने आपको बेसिक यूजेस बताए थे, एवर्ब, इनटू, टॉवर्ड्स, टू, ऑन, अपॉन, बिटवीन, अंडर, आउट ऑफ, फ्रॉम, इनको हम कैसे समझ सकते हैं। लेकिन ये सभी बेसिक यूज थे। इसके आगे जो सेकेंड वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन क्या होती है, प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है। जो पोजिशन को पहले से फिक्स कर देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है और हिंदी में हम इसको बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमने उसकी एक डेफिनेशन ली थी। जो हमने नेक्स्ट पार्ट लिया था उसमें आपको बताया था कि कितने प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, आगे हमने देखा था पोजिशन, नेक्स्ट हमने जो टाइप देखा था वो था डायरेक्शन, और अदर यूजेस भी हमने देखे थे। मतलब ये इतने सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन होगी, कहीं पर अगर आप टाइम में अगर इसका यूज कर रहे हैं तो हो सकता है पोजिशन में हो, डायरेक्शन में हो, लेकिन इनमें हमें डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं, ये चीजें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हैं और आगे भी हम देखने वाले हैं। आगे हमने देखा था एट और इनके यूजेस। एट और इन दिखने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन इसके मैंने आपको बहुत सारे यूजेस बताए थे कि आई लिव एट कोलकाता रॉन्ग क्यों है, आई लिव इन कोलकाता करेक्ट क्यों है, आई लिव इन विलेज बोलना है कि आई लिव एट विलेज बोलना है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपने हमारा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए। प्रेपोजिशन का मैं यहाँ पे पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करने वाली हूँ। तो यहाँ पर इसके डिफरेंट यूजेस आपने देखे थे। आगे हमने बहुत सारी चीजें, मतलब एट का यूज केवल आप दिन का टाइम बताने के लिए या केवल सिटी बताने के लिए नहीं, इसके अलावा अपनी एज बताने के लिए भी कर सकते हैं। इन द सेम वे जब कोई जॉब स्थाई होती है, एक्शन बताने के लिए आप इनका यूज करते हैं, लेकिन कैसे करना ये चीजें मैंने आपको बताया था। लक्ष्य बताने के लिए, टारगेट के लिए, लाभ के साथ में एट क्यों आता है ये भी मैंने आपको बताया था। जो इसका नेक्स्ट वीडियो था उसमें इन एंड इनटू का यूज बताया था। बेसिकली इन और इनटू का यूज क्या होता है, कोई चीज स्टेबल है, पहले से प्रेजेंट है तो इन लगाना है, इनटू में एक मोशन दिखाई देता है, एक गति दिखाई देती है। आई एम इन द क्लास बोलना है कि आई एम इनटू द क्लास बोलना है, इन दोनों मैंने आपको डिफरेंशिएट करके दिया था। तो यहाँ पर नॉट ओनली केवल मैंने आपको ये नहीं बताया था कि इन और इनटू के यूजेस, इसके साथ में इसके और भी यूजेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। शी विल रिटर्न इन टू डेज बोलना है कि शी विल रिटर्न विद इन टू डेज बोलना है। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन जो छोड़ा था वो यहाँ पर छोड़ा था कि she will return in two days and she will return within two days. What is the difference between two sentence? दोनों का मतलब होता है कि वो दो दिन के अंदर आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर इन है, यहाँ पर विद इन है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन वर्सेस विद इन कहाँ पर यूज करना है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, ये सभी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो ऑब्वियसली बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये आपके लिए, अगर आप किसी स्कूल के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस तरीके के वीडियोज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इन एंड विद इन दोनों का मतलब होता है मैं। अभी दोनों का मतलब मैं है तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। जब कोई कर निर्धारित समय में हो तब इन लगाओगे, और जब कोई कर निर्धारित समय में नहीं हो विद इन लगाओगे। समझ में आ रहा है कैसे आपको? चलिए हम एग्जाम्पल से समझते, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, आई कंप्लीट दिस वर्क इन अ मंथ। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं ये काम एक महीने में कंप्लीट कर लूंगी, इसका मतलब है कि मैं आपको एश्योरिटी दे रही हूँ, प्रॉमिस कर रही हूँ कि ये जो काम मैंने हाथ में लिया है ये एक महीने में ही कंप्लीट होगा, एक महीने के आगे एक भी दिन नहीं जाएगा। इट मींस हो सकता है कि ये काम 31 दिन में ना होकर 29 दिन में हो जाए, लेकिन आगे का महीना इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर डेट श्योरिटी रहती है कि कोई भी काम जो आपने लिया है वो विद इन टाइम जो आपने प्रॉमिस किया उसमें कंप्लीट हो जाएगा। इन द सेम वे शी विल रिटर्न इन टू डेज, वो दो दिन में वापस आएगी। इट मींस दो ही दिन में आएगी, तीसरा दिन नहीं होगा। इट मींस एक दिन में भी आ सकती है, लेकिन आगे का दिन नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। विद इन, जब कोई कार्य निर्धारित समय में पूरा करने का बोध कराना हो, इट मींस ठीक है मैं दो दिन में आऊंगी, हो सकता है दो की जगह तीन दिन हो जाए, चार दिन हो जाए, इस तरीके का आपको केवल एक इंटेंशन हो जाता है कि मैं दो दिन में आ जाऊंगी, या वह काम ये कर ले, वह एक महीने में काम कर लेगी, लेकिन एक महीने में ना होके हो सकता है डेढ़ महीने लग जाए या दो महीने लग जाए। तो वहां पर आप विद इन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, आई कंप्लीट दिस
दिस वर्क विद इन अ मंथ. पीछे का एग्जाम्पल में मैंने लिया था इन अ मंथ और यहाँ पर आगे लिया है विद इन अ मंथ. इट मीन्स यहाँ पर तो बिल्कुल 100% श्योरिटी है कि 31 डेज में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे श्योरिटी नहीं है ये वाली, क्योंकि यहाँ पे विद इन लगा है. एक महीने के अलावा हो सकता है कि 1.5 महीने 2 महीने भी लग सकते हैं. केवल एक आपको आइडिया दे दिया कि लगभग 1 महीने में हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, शील रिटर्न विद इन 2 डेज. यहाँ पर पीछे क्या था, यहाँ पर था इन, तो वो 2 ही दिन में आने वाली थी, लेकिन यहाँ पर विद इन लगाया है, इसका मतलब है कि वो 2 दिन में नहीं आएगी, हो सकता है 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए. तो विद इन का यूज, तो यहाँ पर आपको केवल बोध कराना होता है कि ये काम तब हो जाएगा. चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रेपोजिशन पर, वो है हमारा टू एंड टॉवर्ड. इसका मतलब होता है की ओर. अभी की ओर मतलब क्या, थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे. डेस्टिनेशन बताने के लिए एंड डायरेक्शन में जाने के लिए, दोनों में अंतर है. ही इज गोइंग टू स्कूल, अभी यहाँ पर देख सकते हैं हम. ये मैंने एग्जाम्पल बेसिक वाले जो आपको फर्स्ट स्टार्ट किया था प्रेपोजिशन वहां पर भी दिया है. सेम एग्जाम्पल मैं रिपीट करती हूँ. ही इज गोइंग टू स्कूल, वह लड़का स्कूल जा रहा है. इट मीन उसका डेस्टिनेशन स्कूल है, वो स्कूल में जाकर ही रुकेगा, स्कूल की ओर जा रहा है, स्कूल में ही जाएगा, वहां पर ही जाकर स्टॉप होगा. लेकिन जब हम टॉवर्ड की बात करते हैं, ही इज गोइंग टॉवर्ड स्कूल, मतलब वो स्कूल की ओर जा रहा है. हो सकता है बीच में वो अपने फ्रेंड के घर रुक जाए, हो सकता है कि वो स्कूल ना जाके उस रास्ते पे जा रहा है, कहीं और चला जाए. रास्ता वही है लेकिन डेस्टिनेशन श्योर नहीं होता है. जब आपका डेस्टिनेशन श्योर नहीं है तब आप टॉवर्ड लगाइए, जब आपका डेस्टिनेशन श्योर होता है तब आपको टू का यूज करना होता है. तो यहाँ पर इन दोनों में अंतर होता है. अब हम देखते हैं ऑन, ओवर एंड एवर. अभी तक हमने जो देखा है वो था हमारा इन और विद इन में क्या अंतर होता है. अब हम देखते हैं ऑन, ओवर एंड एवर. इन दोनों का, इन सभी का मतलब होता है के ऊपर, लेकिन तीनों में अंतर होता है. ऑन, एक वस्तु दूसरे के सरफेस से स्पर्श, जैसे देखिए ये वाला सरफेस है, द कैप ऑन हिज हेड. अगर मेरे सर पर कैप होता तो मेरा सर और कैप दोनों ही टच हो रहे हैं, तो वहां पर आप ऑन लगाएंगे. मतलब दोनों ही चीजें जब एक दूसरे से टच होती है तो वहां पर ऑन लगाना होता है. नेक्स्ट देखिए ओवर, एक वस्तु दूसरे को स्पर्श ना करे, लंबवत हो. देयर इज अ पिक्चर ओवर द डोर. अभी यहां पर जो मेरे सर के ऊपर पिक्चर है वो मेरे सर को टच नहीं कर रही है, लेकिन लंबवत है, लंबाई में है, तो वहां पर हम ओवर का यूज करते हैं. नेक्स्ट है हमारा एवब. एवब का मतलब होता है एक वस्तु दूसरे को ना तो स्पर्श करे, ना ही लंबवत, बल्कि चितराई हुई हो, यानी कि स्प्रेडिंग वे में हो. तो हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं. द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द रूफ. जो एरोप्लेन है वो छत के ऊपर से उड़ रहा है, ना ही तो वो लंबवत है, ना ही वो टच हो रहा है, बल्कि वो छितराया हुआ है, वो एक जगह स्टेबल नहीं है, वो उड़ रहा है. जब बादल आकाश में होते हैं तो वो ना ही तो हमारे सर पर होते हैं, ना ही लंबवत होते हैं, बल्कि स्प्रेडिंग वे में होते हैं, छितराए हुए होते हैं. इसको हम एक पिक्चर के द्वारा समझ लेते हैं. ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर अगर कोई चीज आप उसको टच कर रही है तो यहाँ पर आप लगाएंगे ऑन. लेकिन अगर वही चीज ऊपर है, टच नहीं कर रही है इस बॉक्स को, तो आप बोलेंगे ओवर. लेकिन यही चीज अगर पूरे इस पर छाई हुई है तो वहां पर आप अबव का यूज करते हैं. तो ये डिफरेंस होता है ऑन, ओवर एंड अबव. ऑन में कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना है एक दूसरे को टच होता है, ओवर में लंबवत होती है, और अबव में पूरी जगह पर स्प्रेडिंग होती है, कहीं से टचिंग का कुछ काम ही नहीं होता है. अब गाइस हम जो आगे देखने वाले हैं, तो ये था हमारा ऑन, ओवर एंड अबव का यूज. लेकिन इसके अलावा भी ऑन का यूज आप डे डेट से पहले कर सकते. जैसे इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त, यहां पर आपने ऑन लगाया डे और डेट से पहले. आई विल कम ऑन मंडे, यहां पर आपने क्या दे दिया, डे दे दिया, यहां पर आपने डेट दे दिया. तो इनसे पहले भी आप ऑन और ऑन का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, एमिड एंड एमिडस्ट में क्या अंतर होता है. तो आगे के वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि मैं यहां पर इनके क्लैरिफिकेशन के साथ में आपके सामने आने वाली हूं. थैंक यू वेरी मच.